रिपीटेड क्वेश्चन जो रिगार्डिंग पंजाब पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कि आधुनिक पंजाब का अस्तित्व कब आया। ये यहाँ वर्ड देख लेना चाहिए कि आधुनिक है, आधुनिक है तो इट मीन्स पुराना पंजाब तो बहुत देर का है, जब 666 बजा है ना, 1 नवंबर 1966 को आधुनिक पंजाब का जन्म हुआ, तो डिवीज़न हुई, पता नहीं ये खुशी की बात है या दुख की बात है। राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये डिस्कस करने वाला नहीं है, ये बच्चों का ही क्वेश्चन है। राज्य में कितने ज़िले हैं, पंजाब राज्य में 23 है एट प्रेजेंट, जो पहले 22 थे, 22 थे। मलेर कोटला लेटेस्ट बना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो 14 मई 2021 को 23वां राज्य बना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लुधियाना इसका उत्तर होता ही है। हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर ये वीडियो लेट देख रहे हो तो वो प्रेजेंट वाला गवर्नर आप ढूंढ लीजिए, लेकिन अब जो है ये डेट को है, 2023 की बात है, श्री बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं पंजाब के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर भगवंत मान्स मदर, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आंसर है मिसेस हरपाल कौर, श्रीमती हरपाल कौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फास्ट चल रहे हैं इसलिए साथ में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, व्हेन डिड भगवंत मान टेक एन ओथ ऑफ सीएम ऑफ पंजाब, कहाँ, वियर है भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ कहाँ ली थी। मेरे ख्याल में ये तो पता होना चाहिए खटखट कलां, क्योंकि वो दीवाने हैं भगत सिंह के, और खटखट कलां उनका, भगत सिंह जी का गाँव है। हाउ मैनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन पंजाब, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, कितनी है, 120 नहीं है, 117 है, 17। हाँ, इलेक्शन के बारे में कुछ भी सुनते हो तो यह याद रहेगा। हाउ मैनी कैंडिडेट डज द स्टेट्स एंड पार्लियामेंट, हमारे कितने MPs होते हैं ये देखना है, हाँ 13 MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पंजाब असेंबली, ये थोड़ा नया डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, पंजाब विधानसभा का स्वरूप क्या है, बाई द्वितीय, द्विसदनीय, दो सदनीय, एक सदनीय, त्रिसदनीय, चार सदनीय, है ना, तो ये एक सदनीय है, ये रहा एक सदनीय, एक सदन वाला, यूनी, यूनी मीन वन, मीन सिंगल, सदन वाला होता क्या है इसमें, इन यूनिकैमरल, हिंदी में पढ़ लें क्योंकि पंजाबी वालों को आसानी रहेगी, एक सदनीय विधानक में केवल एक कक्ष या निकाय होता है जो निर्णय लेता है, एक द्विसदनीय विधायक में दो सदन होते हैं अक्सर अलग अलग प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ, जिन्हें अंत नीति बनाने में अन्य विधेयी शक्तियों और जिम्मेवारियों का प्रयोग करने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। सिंपल बात है, वहां एक के पास पावर है, द्वितीय के पास, दो के पास पावर होगी, इतनी बात समझनी है। यूनिकैमरल मीन के एक शख्स के पास पावर है, बाइकैमरल मीन के दो शख्स के पास पावर है, दो सदनीय। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा रब कर दूं, आगे चल जूं, हिंदी का अगर किसी ने देखना है, टोटल एरिया 50-50 हो गया था ना, ऐसे ये याद करने का तरीका है कि जब पंजाब डिवाइड हुआ तो 50-50 रह गया, रहा नहीं, सिर्फ याद करने का तरीका है, क्योंकि 50 के नज़दीक वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है, यूनिट भी बदल सकता है कई बार, नहीं वैसे बदलता है ना, 50,362, तो ये रहा इसका एरिया। रैंक क्या है पंजाब का कंट्री में एज फॉर एरिया कंसर्न, है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, छोटा 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 छोटा, तो कितना रैंक है हमारा पंजाब का एरिया वाइज, क्योंकि पंजाब छोटा है ज्योग्राफिकली, है ना, तो रैंक 19वां रैंक है, ये इंटरेस्टिंग है, 19वां रैंक 28 स्टेट में से है, अगर यूनियन टेरिटरी को पाना है तो वो 20वां रैंक बन जाता है,
ये भी फर्क हो सकता है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब स्टेट स्पेशल लिखा है कि पॉपुलेशन जो है 2011 में जो सेंसस हुए थे लेकिन 2021 में 10 साल बाद होते हैं वो दोबारा नहीं हो सके, 2024 तक पोस्टपोन है, 24 में हो सकते हैं। 2,70,00,000 ये तो नहीं है क्योंकि अब इंडिया वर्ल्ड का नंबर वन पॉपुलेशन वाइज कंट्री बन चुका है। प्रेजेंट का अगर 2011 नहीं प्रेजेंट का अनुमान पूछा जाए है ना, तो भगवंत मान जी के मुँह से भी मैंने सुना है कि 3.5 करोड़ लोग है ना या 3.25 करोड़ लोग, 3.17 इतनी जनसंख्या प्रेजेंट है पंजाब की। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी है, पंजाबी होगी, पंजाब वाले हैं। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब स्टेट, लिटरेसी रेट क्या है, ये सेंसस के अनुसार ही होगा। कौन सा होगा आपको क्या लगता है, ये वाला चूज़ कर लीजिए 75 के करीब। थोड़ी सी गलती आती है, कोई इसको थोड़ा सा कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है, लेकिन 76 के करीब आपने टिक लगाना है। पंजाब का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल नहीं वो तो यार इंडिया का हो गया, टाइगर, पीकॉक, पीकॉक होगा, टाइगर नहीं, ये लॉयन कैपिटल अशोका, ये रहा आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वापस चलते हैं, ये रहा, आगे चलते हैं, ये व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, स्टेट एनिमल भी होता है वो तो हमने सुना था कि भारत का होता है, कौन सा होगा, लॉयन होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, ब्लैक बक, ये है, दिखा देता हूँ, काला हिरन जिसको बोलते हैं ना, ये काला हिरन हमारे पंजाब का है, कहाँ पाया जाता है पता नहीं, अब तो कहीं मिलता नहीं है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी हो चुकी है, लिटरेसी रेट हो गया, ये हो गया, ये आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए सॉरी। वापस आ यहाँ आते हैं, पंजाब स्टेट का बर्ड कौन सा है, बाज। पंजाब स्टेट का ट्री कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट है, शायद नहीं पता होगा, कौन सा, नीम, टाहली, बरगद, पीपल, नीम नहीं है, टाहली है, शीशम जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में शीशम बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द चीफ रिवर ऑफ पंजाब, कौन सी होगी, आंसर में उत्तर आता है ये इंदुस, सिंदुस, हिंदू और सिंधु, सिंधु से हिंदू ऐसे कहते बने हैं हम। व्हाट इज़ द पंजाब स्टेट गेम, कौन सी है, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, कबड्डी है, ये तो इजी होगा, इन सर्कल साथ साथ में यार ये ज़रूर आना है, इतना याद रखना है। पंजाब स्टेट डांस आर, गिद्दा फॉर वुमेन, भंगड़ा फॉर मैन, लेकिन गिद्दा मैन का भी होता है, मलवई गिद्दा जो होता है, हाँ ये भी याद रखना है। विच मुगल एम्पायर हैज विजिटेड द लंगर ऑफ गुरु अमरदास, वाओ, कौन से इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, जा होता है, जा सुना है, आईने अकबरी लिख दी, सभी धर्मों का जिसने सत्कार किया उसी को कहेंगे ना, ऐसे गैस लगाते हैं, ऐसे गैस लगाते हैं जो पिछली नॉर्मल नॉलेज है उसको स्पेसिफिक सॉल्व करने के लिए। विच मुगल एम्पायर हैड अरेस्टेड गुरु अर्जन देव जी, जहांगीर, जहांगीर याद रखना है, अर्जुन, अर्जुन के ज को यहाँ ही ऐसी एसोसिएशन बनती है ना, जहांगीर से जोड़ दिया। विच गुरु मूव्ड द सिख कम्युनिटी टू आनंदपुर साहिब, कौन से, गुरु गोबिंद सिंह जी तो है ही नहीं है, उनके फादर साहब होंगे गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट है, सॉरी, हु वाज प्रभजोत कौर, लिटरेचर अगर पढ़ते हो तो ज़रूर पता होगा, एक पंजाबी कवि जो 24 नवंबर 2016 को जिनका निधन हो गया, तो पोएट थे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पंजाब कला परिषद, ये स्पेशल है क्वेश्चन क्योंकि सुरजीत पात्र साहब जो कवि इतने अच्छे रहे हैं, उनकी गज़ल कविता हनेरे च सुलग दी वर्णमाला जिसको अवार्ड मिला है ना, तो ये इसके जो अभी चेयरमैन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, कौन हो सकता है, हिंदी में भी साथ में 29th है, विनी महाजन, विनी महाजन, क्या याद रखना है, वुमेन चीफ सेक्रेटरी, कोई भी एसोसिएशन नहीं हो रही,
विनी चीफ, ऐसे जुड़ा है वी से विनी, वी से बी, पब्बी, पुस्तक, कविता वाली पुस्तक। तीन आंसर हैं, कविता के लिए मिला, पब्बी के लिए मिला, विनी महाजन को मिला। क्या मिला? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ नहीं। 26 नवंबर 2018 जिस नवंबर जब पंजाब का जन्म हुआ है ना, वो 66 लगा था, और ये 2018 को कॉरिडोर खोला गया पाकिस्तान के लिए। ऑन व्हाट इशू डिड अकाली दल गेट सेपरेटेड फ्रॉम एनडीए ऑन 26 सितंबर 2020? नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे एग्रीकल्चर बिल इसका आंसर है। विच पार्टी बैग्ड 92 सीट्स? इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता था कि कितनी सीट्स ली थी आम आदमी पार्टी ने, 92 सीट्स है ना, तो ये आम आदमी पार्टी 92 सीट्स। बिफोर द डिसीजन ऑफ सेपरेट फ्रॉम एनडीए हु रेजिग्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर? हरसिमरन कौर बादल। When did करतारपुर साहिब कॉरिडोर बिटवीन, ये बात हो चुकी है 2018 में। रिपीटेड क्वेश्चन, विच पार्टी वॉज द ओल्डेस्ट एली ऑफ एन डी ए बिफोर द सेपरेशन ऑफ पंजाब? आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, नेचुरली है अकाली दल आएगा है ना। विच रिवर फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान? सतलुज, राजस्थान और उसके बीच में आती है। विच सिटी इन पंजाब इज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। विच फेस्टिवल इज वाइजली सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड मार्क एट हार्वेस्ट सीजन? वैसाखी। विच पंजाबी फेस्टिवल इज नोन फॉर इट्स कलरफुल एंड वाइब्रेंट काइट फ्लाइंग? बसंत पंचमी। What is the famous folk music instrument of Punjab? Sitar, no, tabla हो सकता है, सारोद नहीं, तुम्बी, तुम्बी बजा, तुम्बी एक गाने में कहता है ना। Which Sikh guru, हिंदी में साथ में ले लेते हैं क्योंकि वो हिंदी वाले ना मिस थे, इसलिए आपको यहाँ ले आया था, ये रहा आपका हिंदी का पोर्शन साथ में। ओके, कौन सा त्यौहार, ये हो चुका बसंत पंचमी, ये हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी। ये भी पूछा जाता है कब इसका संपादन किया गया, 1604 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ग्रंथ था वो हथ लिखित किसके, वो इनके मामा जी थे भाई गुरदास जी है ना, उनकी थी। ये भी पूछा जाता है कि आद ग्रंथ का असली जो जो गुरु ग्रंथ साहब है जिसे आद ग्रंथ बोला जाता है वो किस शहर में पड़ा है, हमारे शहर में करतारपुर में। करतारपुर जो ये जलंधर में, करतारपुर ब्यास और जलंधर के बीच में है ना, वो करतारपुर, एक करतारपुर जो गुरु नानक देव जी से संबंधित है, ये वाला करतारपुर गुरु अर्जन देव जी से संबंधित है, उन्होंने वसाया था है ना। अमृतसर किसने वसाया था, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। और एक करतारपुर और भी है वैसे, चलो फर्नीचर वाला ये है, और एक करतारपुर और है जिसनों झूठियाँ का करतारपुर कहते हैं, गुरु नानक साहिब के साथ उनकी एक साखी है। नेक्स्ट है, पंजाब के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक क्या है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। याद रखना है तो आप क्या याद रखोगे, सिर्फ यही कि लैटीट्यूड 30, लैटीट्यूड इस पर टाइम लगाऊंगा थोड़ा, लैटीट्यूड 30 है, लॉन्गिट्यूड जो है 75 है, जो लॉन्ग है वो 7 ज़्यादा है और लैटीट्यूड 30 है, इतना याद रखेंगे। अब लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं कैसे याद रखता हूँ, यहाँ पर वैसे इमेज है मेरे पास, यहाँ पर ये रहा है ना, दिखाई दे रहा है ये। अब ये कैसे याद रखना है, क्योंकि जैसे लेफ्ट और राइट में हम जो हो जाते हैं मिसगाइड हो जाते हैं, पता नहीं चलता लेफ्ट क्या है। अब लॉन्ग को स्पेल करो, एल ओ एन जी, ऐसे स्पेल करना है, जी को ऐसे खींच देना है, एल की ये इस तरफ जाती है, जी की ये इस तरफ जाती है, इट मीन्स जो धरती के
ये वाली रेखाएं हैं वे लॉन्गिट्यूडनल है। अब लैटिट्यूड को करेंगे, वैसे तो ऐसे करना है फिर भी ऐसे कर रहते हैं, लै टी, ये टी जो लंबी खींच दी टी, अब ये लंबी वर्टिकल जो है ये बताती है कि लैटी लंबा होता है, ये वाला है ना, जहां पर ये मिल जाती हैं इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें, अगर वर्डिंग में भी समझना है, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस आल्सो नोन एज मेरिडियन रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ, ये रहा नॉर्थ साउथ, ओके। तो दूसरा क्या है, लैटिट्यूड, ये रहा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है पैरेलल्स जिसको इक्वेटर और यूज टू मेजर नॉर्थ साउथ पोजीशन लोकेशन ऑन द अर्थ, दोनों को ही यूज किया जाता है कि आपने अर्थ के सरफेस पर कोई पोजीशन पता करनी है। मेरे ख्याल में जब आप कहते हो मेरी लोकेशन भेज दो, है ना, वो गूगल पर वो व्हाट्सएप पर भेजते हैं, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मेजर करके ही जहां वो मैच कर जाती है वो जो है उसका क्या होगा, ये जो पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स। तो पंजाब का वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं कि लॉन्ग को कैसे याद रखना है, ठीक है, एल ऐसे, और ले टी को कैसे याद रखना है। आप एक बार लिखोगे, जब टी को लिखोगे आपको याद रहेगा, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, जब आपने टी या यूजीसी कोई तैयारी देनी है ज्योग्राफी का कंसेप्ट है तो ये कन्फ्यूज़न करते हैं। तो राइट आंसर 3075 है ना, 2575 के ऐसे याद भी रख सकते हैं कुछ रेशो करके। नेक्स्ट चलते हैं, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, वापस चलते हैं यहाँ पर। पहले वाले जो क्वेश्चन थे बड़े इजी और सिंपल थे, अब धीरे धीरे आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे। पंजाब के कुल वन क्षेत्र, उसके कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जितना क्षेत्रफल है हमारा कितने प्रतिशत यार जो ट्रीज वगैरह लगे हैं। रॉन्ग डाटा है लेकिन सही उत्तर आपको ये देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा 6.1 है, तो 6.1 है, असल में ये 3 पॉइंट के करीब है, बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी जो सड़कें बनी हैं उसमें बहुत कट चुका है, लेकिन राइट आंसर आपने ये देना है। अगर सबसे ज़्यादा जंगल क्षेत्र पूछा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप होशियारपुर कहोगे। दूसरे नंबर पर कौन सा है, नवांशहर है या गुरदासपुर है, ये आगे चल के देखते हैं। पंजाब में सबसे अधिक वन किस जिले में है, होशियारपुर में, ये पहाड़ों के साथ है ना, आप थोड़ा सा वो भी यूज़ करो कि जो पहाड़ों के साथ है, नेचुरली होशियारपुर पहाड़ों के साथ है तो वहाँ जंगल जो हैं ज़्यादा होंगे, और उसके बाद ही साथ में दूसरा बड़ा कौन सा है, हाँ रूपनगर, तीसरा बड़ा कौन सा है, ये रहा रूपनगर, ये रूपनगर सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया गुरदासपुर, ये नवांशहर, और उसके बाद इधर बॉर्डर के पास पाकिस्तान के गुरदासपुर आ गया। ये सेकंड और थर्ड ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट पूछ के बेचारे अक चुके हैं। पंजाब की जनसंख्या घनत्व का कितना है, डेंसिटी, ये वाली डेंसिटी कितनी है, हाँ मुझे पता ही नहीं है, ये जैसे हमने 50 याद रखा था कि 50 क्या था, ये 50,000 है ना, कितने स्क्वायर किलोमीटर था एरिया हमारा, ऐसे ही 50 का 55 कर दो, ये इतना कर दो या 500 इतना कर दो, इट मींस हम इसके करीब रह रहे हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर ये जो हमारी डेंसिटी है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 550 लोग के करीब रहते हैं, अब तो बढ़ गई होगी, ये तो पुरानी है ना, क्योंकि डाटा जो सेंसस के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस शहर में है, भी लुधियाना में है, रश देखो जाके। सबसे कम घनत्व किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, अब तो यह डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लुधियाना पक्का नहीं है, पीछे छोड़ के आए हैं, लुधियाना नहीं होगा, अमृतसर भी नहीं होगा, पटियाला नहीं होगा, मुक्तसर होगा, ये मुक्तसर हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी है, 348 लोग रहते हैं पर स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल कितना, 50 के करीब, सब कुछ यार पंजाब का 50-55 इसके करीब है, ये एक हिंट है आपको याद रखने के लिए। टोटल लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब पहले भी करके आए हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं।
ये मैंने दो जगह से उठाया था, ये फर्क मिला है, तो ये इस क्वेश्चन को राइट आंसर नहीं सोचना, आपने 75 या 76 के करीब, वैसे वैसे 75.84 ये राइट आंसर है। ये रहा पंजाब हैज़ टोटल लिटरेसी रेट, इसलिए दो क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसी गलती भी पेपर में हो जाती है, तो आपने करीब वाला है उसको लगा देना है, ये नहीं सोचना कि ये गलत हो गया है ना। तो ये विच इज़ हायर देन इंडियाज़ एवरेज रेट, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट कितना है, 72.98, तो पंजाब उससे ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कितने पीछे हैं। तो मेल का जो है पंजाब में 80 और फीमेल का 70, अब 44 याद रखना है तो रख लो, ये 73 याद रखना है तो रख लो, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट ये डाल देते हैं तो, है ना। तो एजुकेशन वालों को तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये पूछ सकते हैं, विच सिटी हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन पंजाब, लुधियाना में तो ये पॉपुलेशन है यार ज़्यादा, अमृतसर में, जंगल कहाँ है, होशियारपुर में जंगल है। जैसे आप ये देखो, केरला में ही एजुकेशन सिस्टम, केरला में ही जो सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा, केरला ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अचीव एनवायरनमेंट किए हैं, तो एक स्टेट है वो ओवरऑल ही मोस्टली तरक्की करता है। इस तरह होशियारपुर एजुकेशन में भी है और एनवायरनमेंट में भी है और एक और में भी है। विच सिटी हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन पंजाब, ये तो पता होगा, मानसा का, मानसा है ना, मैं उससे रिया मैं गया था, हाय सच्ची इतने प्यारे लोग और डाउन टू अर्थ, क्या बात है यार। पंजाब में लिंग अनुपात कितना है, अपने कितनी लड़कियां मार दी हैं, पंजाब हरियाणा, हरियाणा टॉपर है स्टेट्स में से, वैसे अगर यूनियन टेरिटरी को मिलाना है फिर नहीं हरियाणा आएगा, तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ पंजाब, राइट आंसर कौन सा है बताइए, 893 ये रहा, डाटा याद रखना पड़ेगा, इतना 9 नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, 8 वाली लेन में हैं, ये याद रखना कि 8 वाली लेन में हैं यार हम। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लार्जर सेक्स रेशो है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ है, यहाँ जंगल ज़्यादा है, देखिए होशियारपुर में फॉरेस्ट भी है ना, ये ट्री बन गया है ना, और ये प्यारी सी गुड़िया बन गई, गुड़िया नहीं बनानी आती मुझको, चलो ऐसे बना दी, ठीक है ये गुड़िया बन गई, और ये अपना क्या है सेक्स रेशियो हो गया, और एजुकेशन है ना, ये टीचर बन गया और ये गुड़िया को पढ़ा रहे हैं, चलो तीनों ही होशियारपुर में आ रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डिस्कस किया। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, हो कौन सी है जिसने लड़कियों को इतना कम कर दिया, ये है बठिंडा, ये रहा है ना, बठिंडे का वो भी हम जानते हैं कि यूएनओ की एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया में कैंसर जोन जो है वो ज़्यादा, कैंसर के कॉज ज़्यादा, अच्छा जो चंडीगढ़ जो जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, गरीब रथ है, तो काफ़ी केस, इवन मेरे कॉलेज के, चलो कोई मतलब पेनफुल है कि हमने वो मिट्टी को इतना, हवा को गंदा कर लिया है। अच्छा द हाइएस्ट पंजाब में पढ़ लें ऐसे कैसे करके, यहाँ पर ये है ना, पंजाब में सबसे अधिक लिंग अनुपात होशियारपुर ज़िले में है, जो कि ये पूछा जा सकता है 962, वैसे माँ हम 8 में आते हैं पंजाब, ये 962 में जा रहा है, 662, ऐसा कर सकते हैं आप किसी भी डिजिट को अपने फ़ोन नंबर, घर नंबर, व्हीकल नंबर जो आपको याद है, आपके फ्रेंड के नंबर उसके साथ एसोसिएट कर लिया जी, तो वो मैं तो नहीं जानता हूँ, आप पर्सनल के साथ जोड़िए। तो पंजाब का बठिंडा का जो है देखिए वो लगभग 100 का फ़र्क है, लगभग 100 का फ़र्क है हाईएस्ट एंड लोएस्ट में, यहाँ पर 1000 के पीछे 100 लड़कियों को क्या मार रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग से है। हु वॉज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन हो सकते हैं, स्पीकर ने बोलना होता है कपूर करके, कपूर ओ डबल आ रहा है, जो स्पीकर है उसने बोलना है, ये दो जने बोल रहे हैं, ये दंजे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कुछ भी एसोसिएशन माइंड में बना सकते हो कि स्पीकर फर्स्ट कौन थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब के पहले कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, कपूर सिंह तो निकल गए, ये कपूर सिंह तो स्पीकर बन गए ना ये वाले, है ना, तो गोपी चंद जी थे,
ये भार्गवा, कोई इनमें से रख लीजिए, गोपी चंद, भार्गवा, भार्गव, कोई भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ चंद, चीफ चंद, फर्स्ट हमारा चंद। पंजाब का चंद कब चढ़ा, ऐसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, पंजाब का चंद चढ़िया सी, कुछ ऐसे ही आप एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्या आ गया अभी, हु वाज़ द फर्स्ट, ये को क्या आ गया, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन थे, हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। ये देखिए जी, कपूर सिंह जी तो आ गए हमारे स्पीकर साहब, और ये दो रह गए, लेकिन त्रिवेदी जी हैं। गवर्नर कौन है, ग व त्रिवे, वी से वी मिल गया, ऐसा कुछ एसोसिएट कर लीजिए। फर्स्ट है ना, ये बदल नहीं सकते, ये रिपीट होते ही रहते हैं, क्वेश्चन फैक्चुअल हैं। हु वाज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन न्यू पंजाब, न्ययू पंजाब जिसको मॉडर्न पंजाब कहा है, जो कब 66 लगा था, तब पढ़े थे 1 नवंबर को, हरबंस, हरि का वंश, हरि का वंश, ऐसे याद रख लो। तो जब 66 में हरि का वंश पंजाब में आ गया, क्या क्या बन के, न्यू स्पीकर बन के, पहले कौन थे, वो थे जिनमें 2-2 ऐसे ऐसे 0-0 करके आ रही, कपूर साहब थे, देखा याद रह गया थोड़ा सा। हु वाज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू, अच्छा नए मॉडर्न पंजाब का, ये क्या आ गया भाई, ये यहाँ से जाएंगे, ये बड़ा मिस है, चलो कोई बात नहीं। ये रहा, हु वाज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ, अच्छा ओके, कौन है, गोपी चंद जी पहले हो चुके हैं, कपूर जी वो स्पीकर रहे हैं, ये निकल गए ना, कपूर जी स्पीकर पहले थे, गोपी चंद जी ने चंद चाड़ा था पंजाब का, है ना, तो वी से गवर्नर थे, जो जिसमें वी आ रही थी, ज्ञानी गुरमुख सिंह जी थे हमारे चीफ मिनिस्टर, गुरमुख, गुरमुख करे आया, कोई गुरबाणी के शब्द के साथ आप जोड़ सकते हो, है ना। तो हु वाज़ फर्स्ट गवर्नर ऑफ न्यू पंजाब, कौन थे, त्रिवेदी जी पिछले निकल चुके हैं, वो गवर्नर थे पहले जब आज़ाद हुए थे, पहला पंजाब, है ना, कपूर या स्पीकर थे, ज्ञानी गुरमुख सिंह जी पहले वो थे, कौन बचे, धर्मवीर, तो इनको याद रखना डिफ़िकल्ट होगा, गवर्नर, इनमें भी गवर्नर आ रहा है, ऐसे हो सकता है, पहले गवर्नर में भी वी है, दूसरे गवर्नर में भी वी है, ये जो वी वी हैं पहले में भी आए हैं, दूसरे में भी आए हैं, ये थोड़े डिले आए हैं, डिले, धर्मवीर की जोड़ी, इसको धर्म जी बाहर में आए हैं, धर्म बाद में आता है ना, डिले से जोड़ सकते हो, डिले में कौन आया। अच्छा, विच वेटलैंड इज लार्जेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे, क्योंकि हरि के पत्तन वो नॉर्दर्न इंडिया, हाँ लिखा भी यहाँ है हरि के पत्तन, ये जो रामसर आइडेंटिफाई की गई हैं वेटलैंड विद इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो छः ये आएगी। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन पंजाब, रामसर मीन के एक जो इंटरनेशनल जो है, इनको नाम ये दिया गया है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले हैं, तो वो कितने हैं, ये कन्फ्यूज़न है, आपने उत्तर 6 देना है, क्योंकि वैसे 7 हैं, ये थोड़ा सा इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, पंजाब में ये नहीं है, इसमें है। देयर आर टोटल 21 वेटलैंड है, आउट ऑफ दी 12 नेचुरल हैं, 9 मैनमेड हैं, हरि के पत्तन जो है तरन तारण और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, और लार्जेस्ट वेटलैंड है पंजाब में, 7 प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, देखिए सब कुछ डिफरेंट है, 7 प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, वो 7 प्रोटेक्टेड वेटलैंड में से 6 जो हैं वो रामसर साइट डिक्लेयर हुई हैं, दैट इज वाई यहाँ पर 6 राइट आंसर है, 7 हैं प्रोटेक्टेड, लेकिन 6 जो हैं इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस वाली हैं, वो कौन सी है, टॉपवर है, लार्जेस्ट है, हरि के पत्तन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, नंगल रोपड़ कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली कपूरथला में है ना, ब्यास के नज़दीक, ये जो आ गया रिवर ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व, नहीं ये कांजली कपूरथला वाला है, ब्यास रिजर्व कंजर्वेशन, वाह गुड, और केशवपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व, ये होगी मेरे ख्याल लास्ट वाली,
अब चलते हैं, हाउ मैनी जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजी से याद रखिए कि चिड़ियाघर देखने जाते ही हो आप मेरे ख्याल में, कितने हैं वो, पांच है वो भी, ए गिन लें पहले, एक इसको बड़ा करके देखते हैं यहाँ पर, ये रहा, हाँ पांच है ना। ये क्यों दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पार्क कहाँ है, मनिंद्रा चौधरी जूलॉजी पार्क डिस्ट्रिक्ट मोहाली, देखो मोहाली में महिंद्र जी रहते हैं, महिंद्रा जी मोहाली में रहते हैं, आल्सो नोन एज, हाँ छतबीर इसको ज़्यादा बोलते हैं, छतबीर है ना, महिंद्रा ये नाम इसका ज़्यादा है, छतबीर मोहाली की छत में, और टाइगर सफारी लुधियाना, टी एल लुधियाना, लुधियाना ठीक है। डियर पार्क बीर मोती बाग पटियाला, मेरे ख्याल बीर मोती बाग आपको शायद पता होगा पटियाला में ही है। डियर पार्क नीलन लुधियाना, ये लुधियाना में एक हो गया, ये लुधियाना में दूसरा हो गया। डियर पार्क बीर तालाब बठिंडा, तो ये कैसे याद करने हैं, इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फास्ट वाला वीडियो है, फास्ट वाले वीडियो में मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, दस्तीज भाई मैं, मुझे नालायक कहा जाता है, सॉरी वेरी सॉरी। हाउ मैनी बोटेनिकल गार्डन, देखो वो थे जूलॉजी है ना, चिड़ियाघर जिसको बोल सकते हो उसके साथ जोड़ लो, देखे भी होंगे सुने भी होंगे, मैं चंडीगढ़ छतबीर जा रहा हूँ, हालत तो सबकी वैसे ख़राब है। बोटेनिकल गार्डन कितने हैं, यहाँ से पीछे सीधे देख लेते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं, बोटेनिकल गार्डन भी आपको मिलेंगे पाँच ही, एक दो तीन चार पाँच है ना। बारादरी गार्डन जो पटियाला में है, इसका एरिया साथ में लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कौन सा बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा है, तो वो पटियाला का बड़ा आएगा यहाँ पर। कलर हम चेंज कर लेते हैं, हमारे पास कलर की कमी थोड़ी है। आम खास बाग सरहंद फतेहगढ़ साहिब, यहाँ ये एरिया सबसे छोटा है, लेकिन जब पूछा जाता है सबसे छोटा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, वो कपूरथला उसका उत्तर मुझे मिल रहा है, तो एरिया वाइज तो वो दिखाई दे रहा है, ये मुझे क्लैरिटी नहीं है, कपूरथला या फतेहगढ़ साहिब इसमें से ही आएगा, आम खास है ना, और कैमा बोटानिकल गार्डन, शालीमार बोटैनिकल गार्डन कपूरथला, कपूरथला में दो है अगर ये पूछा जाए, एक कपूरथला में ये है, दूसरा ये है, कपूरथला में छोटा भी है। राम बाग बोटैनिकल गार्डन अमृतसर है ना, राम बाग क्योंकि गुरु रामदास जी से भी जोड़कर आप इसको समझ सकते हो कि अमृतसर में है, और ये तो आपका हो गया, किसी भी तरह से आपने सॉरी एसोसिएशन बनानी है, एसोसिएशन बन गई तो आपको तो इसके लिए डिफरेंट वीडियो आ जाएगा, याद कैसे करने हैं, यहाँ फिर मुझे जल्दी जल्दी चलना है, तो कुछ जल्दी करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। विच सिटी हैज़ लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन, पटियाला, ये बात हो चुकी है। विच सिटी हैज़ टू बोटैनिकल गार्डन, कपूरथला, छोटा भी इसको यही आंसर देते हैं, सबसे छोटा कौन सा है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाइएस्ट डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ, पंजाब, पंजाब किस जिले में एक दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, ओ माई गॉड कहाँ होगी, मोस्ट जो पॉपुलेटेड लुधियाना है ना। आगे चलते हैं लुधियाना में, और सबसे कम वाला भी होगा एक क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ, इस दशक में पंजाब में किस में सबसे कम जो हुई, वो है दूसरे नंबर पर जो था, जो जंगल जंगलात में, जंगल सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर नवांशहर में है ना, तो नवांशहर में सबसे कम जो है पॉपुलेशन बढ़ी है, शाबाश नवांशहर, वेरी गुड, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा है आप लोगों ने, ऐसे जोड़ सकते, ओ वाह भी वाह, बल्ले बल्ले नवांशहर आपने पॉपुलेशन कम पैदा की, वाह वाह जोड़ सकते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ एरिया, हो चुकी है मेरे ख्याल में, पहले क्वेश्चन बन चुका है, 19वां रैंक है हमारा, रैंक इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, कम 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 ऐसे वाली, जो हमारा कौन सा रैंक है ये देखना पड़ेगा, 16वां रैंक है ये रहा, नेट पर जब जवाब देते देखते हो तो कुछ फर्क मिल जाता है, 16वां रैंक है ओके, क्योंकि कंपैरिजन होता है कि ये स्टेट वाइज है या यूनियन टेरिटरी बीच में है। पंजाब इज होम ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट हम हैं, 2.3 ओके जीरो, विद द डेंसिटी ऑफ ये 50 और
बचपन तो हम छोड़ ही नहीं रहे, इसके इर्द गिर्द ही रह रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ पंजाब इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट, कौन सा है, है ना, लिटरेसी रेट 75 या 76 क्या था, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो हमारा रैंक क्या है, सबसे ज़्यादा केरला दूसरे नंबर पर, है ना, वो रैंक अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख ही लें हम, अगर हमारे पास रैंक है, शायद मेरे पास हो यहाँ रैंक है, अगर टेबल होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पंजाब इन टर्म ऑफ सेक्स रेशू, यार ये नहीं है, इसको कौन से को टिक करना है, 16वां रैंक है इसका, जो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पंजाब इन टर्म ऑफ सेक्स रेशू, ये कौन सा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आगे चल के देखते हैं, काफ़ी पीछे हैं हम, 27वां है यहाँ पर, एक जगह 19वां मिला था, एक जगह 27वां, तो मैंने वो डाटा ही दे दिया, वहाँ से हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया, थोड़ा कंपैरिजन है, ये रेलेवेंट वैलिड क्वेश्चन नहीं है, जब अचीवमेंट टेस्ट ऐसे कुछ बनाते हैं ना, तो जो टॉपिक है उससे मैच नहीं करता, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ इंडिया की कर आ गई है, तो वो कौन सा है लिटरेसी रेट, 940 2011 की सेंसस के अनुसार 940 है, और हम पंजाब कितने 800 कुछ लेके बैठे हुए हैं, हम 8 पर हैं, वो 940 पर इंडिया है, इट मीन्स पंजाब ने ज़्यादा लड़कियों को किल किया, ये शायद माना जा सकता है। वो सेक्स रेशो केरला की क्या है, अब सबसे ज़्यादा है केरला, मैंने कहा था जंगल में भी केरला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का गोल जो अचीव किया वो भी केरला, तो यहाँ पर केरला की ज़्यादा है, तो 1000 से ज़्यादा किसकी है, इसकी 940 है, ये 940 है मेल ऑफ, ये तो क्या है, ये हो गया 1058, यही है, वेरी गुड, है ना, वो लड़के कम है उनके पास, मतलब लड़कियां 58 लड़कियां उनके पास ज़्यादा है 1000 के पीछे, वेरी गुड, केरला वेल डन, जैसे नवांशहर को वेल डन, कम पॉपुलेशन पैदा की थी ऐसे ही, तो ये अब देखना है, कंपेयर करना है तो कर सकते हैं, इधर को होता है पता नहीं होता है कि नहीं, ये केरला नंबर 1 है, यहाँ पर डाटा इतना है, ये गड़बड़ मिल रही है, लेकिन रैंक अंदाज़ा यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, पौंडीचेरी दूसरे नंबर पर आ रहा है। ओके, तमिलनाडु, ये देखिए ये बात एक याद रखने की है कि साउथ वाले ज़्यादा पॉजिटिव हैं, नेचर के करीब हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के करीब हैं, एजुकेशन के करीब हैं, टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये रैंक देख सकते हो, कुछ याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन पहले 2-3 ही पूछे जाते हैं, टॉप पर सेकंड और थर्ड, है ना, तो वो है पौंडीचेरी आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, बाकी मेरे ख्याल में नहीं, देखते आगे चलते हैं, देखकर यहाँ पर ये रहा क्या है, ये इंडिया का यहाँ पर 943 है, वहाँ 940 था, ये फ़र्क मिल रहा है। अब अगर यूनियन टेरिटरी लगा रहे हैं तो दमन दीव की 618 हैं, वैसे हम हरियाणा को बोलते हैं जब स्टेट का होता है, 870 इसके करीब है ना, दिल्ली की पूछी जा सकती है, 666 लगाया हुआ है, 666 में हम क्या हुए थे, पंजाब बना था, आज़ाद हुए थे, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकता, पॉजिटिव क्या बोलूँ, मुझे तो पता नहीं, मेरी इंटरप्रिटेशन पता नहीं गलत है। वापस चलते हैं, क्वेश्चन भाग गए भैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, पंजाब का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है, तो जो वहीं होगा जहां पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, ये अंदाज़ा लगाया, कहां ज़्यादा है, यही है ना क्वेश्चन, हाँ लुधियाना में ज़्यादा है ना, डेंसिटी पॉपुलेशन, देखो सिंपल, जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पर रोज़गार मजदूर ज़्यादा होंगे, बाहर से मजदूर कहाँ, लुधियाना में ज़्यादा आते हैं, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, बड़ा भी शहर आ गया, सतलुज भी गंदा कर दिया इंडस्ट्री ने, और वहीं पर ही जो स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ गया, ऐसे भी जोड़ के याद कर सकते हैं। अच्छा, ये पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सी नदी बहती है, रावी, ये निम्नलिखित में से कौन सा पंजाबी लोक नृत्य पुरुषों के लिए नृत्य शैली नहीं है, अब थोड़े से डिफ़िकल्ट है, भंगड़ा, गिद्धा, आप गिद्धा को टिक कर दोगे बड़े जल्दी से, मलवई गिद्धा होता है, दैट इज़ वाई, ये भी मेल का हो सकता है, ये भी हो सकता है, चूमर भी हो सकता है, सिम्मी नहीं है, दिस इज़ राइट आंसर, लेकिन ये थोड़े डिफ़िकल्ट में है, इस पर डिफरेंट वीडियो बन जाएगा। विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन ढाडीज़, ये है ढाडीज़ द्वारा, ढाडी द्वारा, ढाडियाँ द्वारा
जो है सिख इतिहास बहादुरों के योद्धाओं के नातों नायकों की परंपरा का गीत जो है ना आपने गुरुद्वारों में देखा हो गया, तो वो हिंट में इसलिए ये रखा है कि टाडीज और ये टाड ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई, ये बताने के लिए। कई बार स्टेम में ही वो दिया होता है, वो गुड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आपके लिए तो गुड हो गए ना। पंजाब का कौन सा है यार गुरु की काशी के नाम से जाना जाता है, वाह भी वाह, तलवंडी साबो, गुरु की काशी तलवंडी, गुरु नानक देव जिससे भी आप एसोसिएट आपका मन कर रहा है उससे जोड़ दीजिए, ईजी हो जाता है थोड़ा। यहाँ पर होगा टिक। नेक्स्ट है मालवा और दुआबा रीजन को कौन सी नदी जो है डिवाइड करती है ना, अभी जो फ्लड लाइक सिचुएशन सतलुज में ही ज़्यादा आ रही है, वैसे सूखा रहता है कहते, एक थ्योरी ये भी है क्योंकि पानी उसमें नहीं रहता इसलिए जीव जंतु जो है वो उसमें जैसे चूहे हैं सांप वो खोल कर देते हैं और वो वीक हो जाता है, दैट इज़ वाई फ्लड नहीं रुक सका, एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं पता। इसको ऐसे नहीं कह देना कि यही सत्य है। पंजाब का सबसे छोटा जिला कौन सा है, देखो यहाँ ऑप्शन गुरदासपुर की है तो गुरदासपुर नहीं सॉरी पठानकोट, यहाँ पर हमला हुआ था ना वो पाकिस्तान से वो एक हमारे चलो पठानकोट, तो पठानकोट लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बेशक शब्द है लेकिन ये एरिया में छोटा है, 9वें नंबर पर नहीं ये, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं 9 वर्ड हैं तो ये देखिए 10 हैं तो 9वें नंबर पर लास्ट लाइन पर आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मलेरकोटला अगर ऑप्शन है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। नई दिल्ली और लाहौर पाकिस्तान के बीच में रेलवे लिंक है, इस मार्ग पर भारत की कितने और अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, भारत की और अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, अगर न्यूज़ सुनते हो तो अटारी रेलवे स्टेशन पर ये हुआ, अटारी रेलवे स्टेशन, अटारी अटारी बहुत बार होता है, सुना होगा, न्यूज़ थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया क्योंकि ये आप आज बुरी चीज़ें नहीं पढ़नी, मेरे हर वीडियो के ऊपर लिखा होगा फोकस ऑन पॉजिटिव, आप रिश्ते आपका कोई रिश्ता है उसके पॉजिटिव पर फोकस करोगे रिश्ता बेटर होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी इंस्टीट्यूशन पर एजुकेशन पर लाइफ पर किसी भी पॉजिटिव पर फोकस ऐसे नहीं होगा, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिविटी इकट्ठी करोगे वो कैसे करोगे, रोज़ उसका शुक्र करना है, थैंक यू करना है, जो भी मिला है थैंक यू करिए, बैठिए 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जितना अधिक अगर बैठते हो तो उससे ज़्यादा बैठिए, किसी भी कोई भी चीज़ मिलती है उसका थैंक यू करना शुरू कर दो, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, गॉड अपने गुण आपके में भरने लगेगा, वो शांत होगा, फिर आप पॉजिटिव, ऐसे नहीं पॉजिटिव देखो मैं ये लिख दिया तो हो जाए, ऐसे नहीं होगा, होगा होगा ही नहीं, आप चाह के भी नहीं कर सकोगे। पंजाब में एक गांव जिस में हॉकी ओलंपियनों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे करीब है, जलंधर के बिल्कुल करीब है, देयर इज़ ए विलेज इन पंजाब नोन एज नर्सरी ऑफ हॉकी ओलंपियंस, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यार, छोड़ इतने प्यारे लग रहे, इतनी ग्राउंड्स है, एक गाँव है ना संसारपुर, हॉकी का संसार जहाँ बना है बचपन से है ना, ओ तो ये ट्रेडिशन, बड़े प्लेयर इस एक गांव ने कितने अच्छे कितने प्लेयर पैदा किए हैं, संसारपुर जलंधर में है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। ओके आरसी शरीर के किस अंग का भूषण है, हाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो याद कर सकते थे। पंजाब के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस रेखा के रूप में जाना जाता है, यार ये रेड क्लिफ रेखा, रेड ऐसे याद रख सकते हो, ये इंडिया हो गया है ना, मान लो ये हो गया पाकिस्तान, ओके ये तो रेड लाइन ही है, रेड मतलब खतरा बना ही रहता है, रेड लाइन है, रेड क्लिफ याद रहेगा, सिर्फ रेड को याद रखो, बाकी रेड कोई भी नहीं है, रेड याद रहेगा तो आपको याद रहेगा, बस इतनी बात है। हु इज़ द फर्स्ट, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राजेंद्र कौर बट्टल है ना, ये मेरे ख्याल में दैट्स ऑल हो गया। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डांस जो है पंजाब के, बाकी कल्चर है, गेम्स है पंजाब की, जो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हिंट दोगे उस पर डिफरेंट बनाऊंगा, ये तेज़ी में था, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़े क्वेश्चन उठा के बनाऊंगा है ना, तो डिफ़िकल्ट वाले ईजी वाले भी इसमें डाले गए हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह।